channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, बॉलीवुड को क्वीन कंगना रनावत इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी की उम्मीदवार है। उन्हें हिमाचल प्रदेश के मंडी से टिकट मिला है। मंडी की बेटी कंगना जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई है। उन्हें उम्मीद है कि इस चुनाव में उनकी जीत होगी। कंगना ने एक चैनल से खास बातचीत में फिल्मों, लोकसभा चुनाव और राजनीति पर बात कही है। यह कंगना ने अपनी फिल्मी करियर को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या है वो, चलिए जानते हैं। दोस्तों, बात करें तो कंगना ने इशारा किया है कि लोकसभा चुनाव में अगर वो जीतती हैं तो धीरे धीरे शोबीज यानी कि बॉलीवुड की दुनिया को छोड़ सकती हैं, क्योंकि वो एक ही काम पर फोकस करना चाहेंगी। कंगना ने पूछा गया कि फिल्म और राजनीति को कैसे मैनेज कर पाएंगी, जिस पर एक्ट्रेस ने कहा कि मैं फिल्मों में भी पक जाती हूँ, मैं रोल भी करती हूँ, निर्देशन भी करती हूँ। अगर मुझे राजनीति में संभावना दिखती है कि लोग मुझसे जुड़ रहे हैं तो फिर मैं राजनीति ही करूँगी। आइडियल में एक ही काम करनी चाहूँगी। अगर मुझे लगता है कि लोगों को मेरी ज़रूरत है तो फिर मैं उसी दिशा में जाऊंगी। मैं अगर मंडी से जीत जाती हूं तो फिर मैं राजनीति ही करूंगी। मुझे कोई फिल्म मेकर कहते हैं कि राजनीति में मत जाओ, आपको लोगों को उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। मेरे निजी महत्वाकांक्षाओं की वजह से लोग सफ़र कर रहे हैं तो यह अच्छा नहीं है। मैंने एक प्रिविलेज लाइफ जी है, अगर आप लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है तो उसे भी पूरा करूंगी। मुझे लगता है कि सबसे पहले लोगों को आपसे जो उम्मीदें हैं आपको उसके साथ जस्टिस करना चाहिए। राजनीति और फिल्मी दुनिया में कितना फर्क, एक्ट्रेस से पूछा गया कि फिल्मों के मुकाबले राजनीति की लाइफ एकदम अलग होती है, क्या ये सब उन्हें जच रहा है। जवाब में कंगना बोली कि फिल्मों की एक झूठी सी दुनिया है, वो अलग वातावरण बनाया जाता है, एक बबल बनाया जाता है लोगों को आकर्षित करने के लिए, लेकिन राजनीति एक वास्तविकता है, लोगों के साथ उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। मैं नई हूँ, पब्लिक सर्विस में बहुत कुछ सीखना है। परिवारवाद पर कंगना क्या बोली, कंगना रनावत ने परिवारवाद पर कहा कि स्वाभाविक है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमने परिवारवाद को फिल्मों और पॉलिटिक्स तक सीमित कर दिया है। परिवारवाद सबकी दिक्कत है और होनी चाहिए, इसका दुनिया में कोई अंत नहीं है। आपको ममता से उभरकर बाहर आना होगा। जहाँ तक हम खुद को एक्सटेंड करते हैं परिवार होता है। आज मुझे कहते हैं कि मंडी की बेटी ये परिवार है, ममता में कमजोर नहीं होना है। वर्क फ्रंट पर कंगना ने फिल्मी क्वीन, थलाइवी, तनु वेट्समेनू और फैशन मणिकर्णिका, गैंगस्टर जैसे फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीता है। उनकी अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी है, इसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल प्ले किया है। ये मूवी इसी साल 14 जून को रिलीज होनी है। बाकी जिस तरीके से कंगना रनावत ने राजनीति और अपने करियर को लेकर बातें कही है, इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।